पाकिस्तान में इमरान खान का प्रधानमंत्री बनना तय है। नेशनल असेंबली में बम्पर जीत दर्ज करने वाली इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुमत से भले ही दो कदम पीछे रह गई हो, मगर सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाले इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता दिया है कि पाकिस्तान में उन्हीं की हुकूमत चलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करने के बाद इमरान खान ने जो स्पीच दी उसकी तारीफ वहाँ की जनता तो कर ही रही है, भारत में भी उनके बयान की तारीफ हो रही है, खासकर बॉलीवुड में। इश्यूज के अंदर जो सबसे बड़ा इशू, कोर इशू है, वो कश्मीर है। कश्मीर में जो हालात हैं और जो कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल में जो उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो होनी थी, अगर फौज से मसले हल हों और शहरी इलाकों में आप फौज लेके जाएंगे, कहीं भी दुनिया की फौज जब शहरी इलाके में जाती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफ़र किया है इस वक्त। कोशिश होनी ये चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ के हम कोशिश करें इस मसले को हल करें, ये जाने तो नहीं लगा। और अगर यही ब्लेम गेम ही चलती रहेगी कि जी पाकिस्तान की वजह से ये हो रहा है, और पाकिस्तान सारा वक्त हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान की वजह से हो रहा है, ये तो हम स्क्वायर वन पे हैं इस वक्त। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम दो कदम आपकी तरफ जाएंगे। दरअसल अपनी आने वाली फिल्म मुल्क के प्रमोशन में जुटे ऋषि कपूर को इमरान की स्पीच काफी पसंद आई है। उन्होंने ट्वीट कर इमरान खान के बयान की जमकर तारीफ की है। ऋषि कपूर ने ट्वीट किया, अच्छा बोले इमरान खान, भारत पाकिस्तान पर आपने जो कहा, दो दिनों से यही बातें मैं भी चैनलों पर बोल रहा हूँ। उम्मीद है आप अपने मुल्क हमारे मुल्क के बीच अच्छे संबंध बनाने में सफल होंगे। हमने ये भी देखा है कि बर्लिन में ईस्ट और वेस्ट की दीवार गिरा दी गई, जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। हमने ये भी देखा कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये 70 वर्ष का ये झगड़ा जो है अभी तक हल नहीं हुआ, जो है इंडिया और पाकिस्तान का। अरे बैठो यार कुर्सी और मेज पर बैठ के इसका कोई सॉल्व रिजल्ट निकालो। क्या हम लड़ते ही रहेंगे? दुनिया अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही, हम क्यों नहीं सॉल्व करते अपने? आपको बता दें ऋषि कपूर की मुल्क फिल्म आने वाली है। उन्होंने अपने ट्वीट में भी मुल्क को कोट कर अपने फिल्म का प्रमोशन करने की भी कोशिश की, तो वहीं इसी बहाने इमरान खान के स्पीच की भी तारीफ कर दी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।